राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आज आप लोग देख रहे हो राधा कृष्ण का एपिसोड नंबर 329। इस एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा, बताने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दाऊ श्री कृष्ण से कहेंगे कि अब हम लोगों को द्वारिका प्रस्थान करना चाहिए, उनको तीव्र इच्छा हो रही है अपने परिवार से मिलने की। फिर कृष्ण कहते हैं हंसते हुए कि इतनी दूर आए हो हस्तिनापुर, यहाँ का अतिथि सत्कार का तो आनंद उठाइए। फिर दाऊ कहते हैं कि सच सच बताओ काना, तुम क्या लीला करने वाले हो, यहाँ कुछ होने वाला है क्या। फिर कृष्ण कहते हैं दाऊ से कि यहाँ संसार में हर कोई अपनी लीला रच रहा है, अपनी लीला में मस्त है, अब जो लीला रचेगा वही उसका फल भी पाएगा। फिर कृष्ण हंसते हुए दाऊ से कहते कि मैं कोई लीला नहीं करूँगा, मैं दूसरे की लीला का आनंद उठाऊंगा। और फिर आप लोग देखेंगे कि पांडव पुत्र कांड प्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे और बलदेव श्री कृष्ण भी द्वारिका वापस जाने के लिए आज्ञा मांगेंगे। तभी दुर्योधन रोक लेगा और कहेगा कि बलदेव आप रुक जाइए, आपने वचन दिया था कि मुझे मंदिर सिखाएंगे। और फिर मामा शकुनी कहते हैं कि श्री कृष्ण भी द्वारिका कहाँ जा रहे हैं, वो भी पांडवों के साथ कांड प्रस्थ जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे द्वारिका के लिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं आप तो अंतर्यामी हैं मामा जी। फिर आप देखेंगे आगे पांडव पुत्र भी अपनी हस्तिनापुर की प्रजा के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।